हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 3 के विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 6 जनवरी 2022 को दिया गया है। इस गृह कार्य में दिया गया है कार्यपत्रक 19, जिसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ दक्षता में दे रखा है लंबाई की मानक इकाइयों का प्रयोग कर दूरियों का अनुमान लगा सके और माप सके। तो यहाँ हम बेसिकली देखने वाले हैं लंबाई की जो मानक इकाइयाँ हैं उनका प्रयोग करके किस तरह से चीज़ों को मापा जाता है, किस तरह से वस्तु की लंबाई को नापा जाता है, तो वो देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, अनुमान लगाकर बताइए कि दी गई वस्तु की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ हमें अनुमान लगाकर सेंटीमीटर में बताना है कि कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ फर्स्ट है एक टेबल, तो कितने सेंटीमीटर की टेबल हो सकती है, तो यहाँ आपको अंदाजे से बता देना है, जैसे 48 सेंटीमीटर। इसी तरह से पेंसिल की लंबाई कितनी सेंटीमीटर हो सकती है, 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक किताब की कितनी लंबाई हो सकती है, 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस आकृति की कितनी लंबाई हो सकती है, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसकी हो सकती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनुमान लगाकर सेंटीमीटर में इनकी नाप देखी है। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से हम किसे सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में नापेंगे, बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ हमें बताना है कि किसे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, किसे मीटर में नापते हैं और किसे किलोमीटर में नापते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दे रखा है टेलीविज़न। टेलीविज़न की लंबाई हम सेंटीमीटर में नापेंगे, क्योंकि कोई टेलीविज़न 48 सेंटीमीटर का हो सकता है, कोई 60 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से जूते की लंबाई होगी, जैसे 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से नाखून की लंबाई हो सकती है 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से बल्ले की लंबाई हो सकती है यहाँ पर 72 सेंटीमीटर। इसी तरह से हो सकती है चारपाई की लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर भी हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से स्कूल से घर की दूरी कितनी हो सकती है, स्कूल से घर की दूरी हो सकती है किलोमीटर में। तो इस तरह से इस वर्कशीट में हमने देखा लंबाई की जो नाम मानक इकाइयां हैं उनका यूज करते हुए तो ये था आपका आज का गृह कार्य। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।